मैं घर आ गया। अरे इल्लोंग अभी तक सो रहे हैं। स्वीटी स्वीटी उठो, आप आ गए। हाँ मैं तो आ गया, तुम अभी तक सो रही हो। हाँ वो नींद आ गई थी ऐना को सुलाते सुलाते। चलो वो सब तो ठीक है, अब मुझे खाना दो। खाना अभी ने क्या बताऊँ मैं। अरे खाना दो ना, तुम बैठ क्यों गई। वो दोपहर में ऐना को सुलाते सुलाते ना मेरी नींद लग गई थी। हाँ नींद लग गई थी तो तुम सो गई, अब खाना दो ना। तो मैं खाना बनाना भूल गई। क्या तुम खाना बनाना भूल गई, तुम दिन भर करती क्या हो। अरे वो आज नींद लग गई थी ना, अभी मैं खाना बना के ला देती हूँ। नहीं नहीं रहने दो, तुम्हें घर में काम ही कितना रहता है। पहला कि घर संभालना, दूसरा खाना पकाना जो तुमसे होता ही नहीं है। मेरा काम देखो, सुबह से जाता हूँ शाम को आता हूँ मैं, तुम्हें तो बस घर में रह के काम करना रहता है। अरे ये कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं। ठीक है मुझे तो दो काम रहता है, आपको क्या, आपको तो एक ही काम रहता है वो भी बाहर का, जितना आसान होता है। बाहर के काम से ज़्यादा घर का काम आसान होता है। ये तो चैलेंज कर रहे हैं। ठीक है बाहर का काम मेरे लिए ज़्यादा आसान है, केवल साड़ी तो बेचनी रहती है। मेरे लिए भी घर का काम ज़्यादा आसान है। हंसी तो देखो इनकी, ड्रावनी सी डायन की तरह। अच्छा तो आप ये कह रहे हैं कि बाहर का काम ज़्यादा आसान घर का काम होता है। मैं बाहर का काम नहीं कर सकती क्या। हाँ तुम नहीं कर सकती तो आप भी घर का काम नहीं कर सकते। अरे मेरे लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है। ठीक है तो आज रात से कल रात तक पति पत्नी की अदला बदली की जाएगी। मतलब मेरा मतलब ये है कि आज रात से कल रात तक घर का काम आप करेंगे और बाहर का काम मैं, इससे पता चल जाएगा कौन किस में माहिर है। अरे मैंने तो अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार ली, अब क्या करूं। अगर मना किया तो। देखा मैंने तो पहले ही कहा था आप घर का काम नहीं कर सकते। नहीं नहीं ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। ठीक है ये लो ऐना। अरे तुम इसे मुझे क्यों दे रही हो, ये तो तुम्हारे पास होती है ना। बोल गए क्या अदली बदली की वाली बात, तो अपने पास बुला इसे। ठीक है मैं भी ऐना को अपने पास ला सकता हूँ। पापा 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 उठो पापा। क्या हुआ है ना इन्हें रात गई क्यों उठाया। पापा पापा सुच्छू। ऐसे तो है ना वो कभी लेट लगता नहीं है और आज इतने लेट लगा दिया। ऐना ऐना निकलो। चिच्ची कर रहा क्या, अब क्या करूं। स्वीटी स्वीटी उठो स्वीटी। क्या वो इतनी रात गई क्यों उठाया। स्वीटी वो ऐना पॉटी कर रही है, उसको धुला दोगी। मैं क्यों धुलाऊँ, ये काम आपका है तो आप ही संभालिए, मैं तो जा ही सोने। अरे ये तो सोने लगी, अब क्या करूँ। पापा हो गया छी आया। पापा नींद नहीं आ रही। रुको लो ही सुनाता हूँ। पापा लोरी सुना रहे हो कि डरा रहे हो। चलो ये तो सो गई, अब मैं भी सो जाता हूँ। टिंग 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 टिंग। लगता है कल रात ऐना ने को मेरे पास दे दिया और अलार्म क्लॉक भी मेरे पास ही रख दिया। स्वीटी ने वो अच्छा अच्छा से अदला बदली कर रही है। चलो कुछ नहीं, अब वो जब काम पे जाएगी तब उसे पता चलेगा मेरा काम कैसा होता है।
स्वीटी उठो स्वीटी। पता है कल इतनी मस्त नींद आई, सही में आपका काम कितना आसान होता है। सही में आपने कल जो होटल से खाना लाया था ना, वो अभी भी बचा हुआ है, तो चलिए अब उसी को खा लेते हैं। वैसे आप तो बचा हुआ खाना नहीं खाते, पर मैं खा लेती हूँ क्योंकि मुझसे खाने की बर्बादी नहीं देखी जाती ना। मैं ऑफिस जा रही, चलो गई तो ये। अब मैंने तो कभी कार चलाई नहीं, पता नहीं कैसे चलाऊंगी। ये तो रिवर्स गियर था। धीरे 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 धीरे, चलो कैसे तो तैसे मैंने कार निकाली ली, अब चलती हूँ। धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलो, पहुँच गई, अब कार पार्क करती हूँ। धीरे धीरे चलो, कार तो पार्क हो गई, अभी स्टॉल भी तो लगाना है। स्वीटी तो गई, अब चल के झाड़ू पोछा करता हूँ। पता नहीं स्वीटी ने झाड़ू कहाँ रखा है, कहाँ देखूँ। अरे एक बार तो स्वीटी ने सीढ़ी के नीचे से झाड़ू निकाली थी, चलो वहीं चल के देखता हूँ। अरे वाह, यहीं पे झाड़ू रखी है, कर लेता हूँ झाड़ू। झाड़ू तो हो गया, अब पोछा भी करना है। अरे इतने सारे बर्तन, चलो पहले बर्तन ही धो लेता हूँ। चलो बर्तन तो धुल गए, मैं कितना गीला हो गया हूँ, अब चल के नहा लेता हूँ। अरे अलमारी में तो कपड़े ही नहीं बचे, अब कपड़े भी धोना होगा। ये वॉशिंग मशीन कैसे इस्तेमाल करते हैं, मुझे तो आता भी नहीं, टब में ही धो लेता हूँ। अब पता नहीं टब कहाँ गया, अरे अब ये बाथटब में ही धो लेता हूँ। चलो कपड़े तो सूख गए, कितनी मेहनत का काम था। कपड़े सही से तो लगाए हैं ना मैंने, सुबह से दोपहर हो गया, अभी तक एक भी कपड़ा नहीं बिकाया। कहीं मैं महंगा तो नहीं बेच रही, एक काम करती हूँ सस्ता सस्ता बेचती हूँ, इससे सारे कपड़े बिक भी जाएंगे और मोहन को पता भी नहीं चलेगा। कितनी तेज है तू स्वीटी, 500 में दो कपड़े, 500 में दो कपड़े ले लो ले लो। अरे वाह इतने मस्त कपड़े, मुझे इसमें से एक कपड़े चाहिए। हाँ हाँ ले लो ले लो। चलो बहुत आराम हो गया, अब खाना पका लेता हूँ। क्या बनाऊँ आज, कौन सी सब्ज़ी ज़्यादा आसान होती है बनाने में। बैगन बनाता हूँ, एक काम करता हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता मसाले कहाँ रखे हैं, कहाँ रखे हैं भाई मसाले। स्वीटी के खाने में ज़्यादा मसाले होते हैं, अच्छा लगता है। एक काम करता हूँ 8 चम्मच मसाला डाल देता हूँ। अब नमक, नमक स्वीटी के खाने में कम रहता है, वो कम खाती है, मैं अपने हिसाब से बनाता हूँ, ज़्यादा से 10 चम्मच। ठीक है अब ये बैगन की सब्जी बनने वाली होगी। ये खाना बनाएगी क्या बनाए, इतना जहरीला, स्वीटी तो मेरी जान खा जाएगी। एक काम करता हूँ होटल से मंगा लेता हूँ। सारे कपड़े तो बिक गए, अब घर चलती हूँ। मैं घर आ गई, कैसा रहा काम, मस्त, एक भी कपड़ा नहीं बचा। अरे वाह ये तो बाहर के काम में भी माहिर है। तुम्हारा कैसा रहा, मेरा भी मस्त, रुको मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आता हूँ। ये लो खा के बताओ, दिखने में तो अच्छा है, खाने में कैसा होगा मैं खा के बताती हूँ। अरे वाह क्या खाना था, मैंने तो प्लेट में एक निवाला भी नहीं छोड़ा। कैसा है, एकदम मस्त। अरे स्वीटी, हाँ बारबी, कल भी क्या एक कपड़ों के साथ एक कपड़ा मुफ्त होगी, क्या एक कपड़ों के साथ एक कपड़ा मुफ्त,
अरे यार फंस गई। अरे हाँ, एक कपड़ा जितने दाम में मिलता ना, सिर्फ कम दाम का, वो भी दो कपड़े। नहीं नहीं, कल ये ऑफर नहीं, जाओ। स्वीटी चीटिंग। वो एक्चुअली मोहन, तुमने जो पनीर की सब्जी ली थी उसके पैसे भरो, अभी तक तुमने दिए नहीं है। अरे वो मोहन, तुम भी तो फेल हो गई, तुम भी, जिसका काम उसी को साझे मुन्ना करे जो ठिंका पाचे।